हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ये ग्लोसी शाइनी सा मेकअप लुक जो है क्रिएट करने जा रहे हैं, और ये बहुत ही इजी मेकअप है, आपको बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगा अगर आप वीडियो को एंड तक देखेंगे। और बहुत सारी टिकटॉकर सेलिब्रिटीज़ जो सी हैं वो ऐसा लुक जो है वो क्रिएट करती हैं, और काफ़ी अच्छा लगता है। सटल सा लुक है, ज़्यादा हैवी लुक नहीं है, और ये टीन एज के लिए भी अच्छा है, और इफ़ यू आर न्यूली मैरिड तब भी ये लुक आपको बहुत अच्छा लगेगा। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। यहाँ पर मैं प्राइमर ले रही हूँ ओरिफ्लेम का। आपने प्राइमर वो लेना है जो कि मैट ना हो, क्योंकि हमने शाइनी सी लुक जो है वो क्रिएट करनी है। ओरिफ्लेम का जो प्राइमर है वो हमें ड्यूई फिनिश देता है, शाइनी सी लुक देता है। तो आपने कोशिश करनी है कि आप प्राइमर वो लें जो कि शाइनी सी लुक दे और मैट लुक ना दे। जैसे कि एट्यूड का प्राइमर है वो बहुत आपको मैट लुक देता है, आपने ऐसा कोई भी प्राइमर चूज़ नहीं करना। और अगर आपके पास प्राइमर अवेलेबल नहीं है तो आप इसको स्किप कर दें, आप कोई भी मॉइस्चराइज़र सीरम अप्लाई कर लें, तब भी आपकी फाउंडेशन जो सी है वो ड्यूई शाइनी सी फिनिश देगी। उसके बाद मैंने लिया यहाँ पर अमरीज का फाउंडेशन। आपने फाउंडेशन वो लेना है जो मैट ना हो। अमरीज का फाउंडेशन थोड़ा सा मैट फिनिश देता है, इसलिए मैं इसको इस लुक के लिए रिकमेंड नहीं करूँगी। फाउंडेशन आपने वो लेना है जो ऑयल बेस हो। आप इस लुक के लिए बीबी क्रीम भी ले सकती हैं, सीसी क्रीम भी ले सकती हैं। तो यहाँ पर मैं जो अपना फाउंडेशन है वो डैपिंग मोशन में फेस पे अप्लाई कर रही हूँ, ताकि मेरा जो प्राइमर है और फाउंडेशन दोनों आपस में मिक्स ना हो, इसलिए आपने इसको डैपिंग मोशन में ही अप्लाई करना है एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से। जब भी आप फाउंडेशन अप्लाई करें तो आप कोशिश करें कि आप अपनी नेक को भी अच्छे से कवर करें, आईज़ को अच्छे से कवर करें। उसके बाद मैंने यहाँ पर कंसीलर लिया है मेबेलिन का एज रिवाइंडिंग कंसीलर, ये मेरा फेवरेट है। आपने इसको ड्रैगिंग मोशन में अप्लाई करना है, उसके बाद टैप करके आपने फिर इसको जो है वो सेट करना है। कंसीलर को आप आईज़ पे ज़रूर लगाएं, ताकि जब आप आई शेडोज़ लगाएं तो आई शेडोज़ जो हैं वो प्रोमिनेंट हो। यहाँ पर मैं डैपिंग मोशन में जो है वो अपना कंसीलर सेट कर रही हूँ। उसके बाद एक फ्लफ़ी सा ब्लेंडिंग ब्रश लें आप। फ्लफ़ी सा लेना है, आपने हार्ड वाला ब्लेंडिंग ब्रश नहीं लेना, ठीक है। यहाँ से बिल्कुल लाइट बेबी पिंक जो शेड है वो मैंने लिया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसको अपनी क्रीज में अप्लाई कर लेना है, ठीक है। क्रीज लाइन पे आपने इसको अप्लाई करना है अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। सेम दूसरी आई पे भी आप वैसे ही अप्लाई करें। कोशिश करें कि आपने इसको तब तक ब्लेंड करना जब तक कोई हार्श लाइन जो है वो ना रहे, जब आपका मेकअप उतना ही प्यारा लगेगा। उसके बाद मेकअप रेवोल्यूशन की ये आती है फाइव शेड पैलेट, ठीक है। इसमें से मैंने जो शिमरी पर्पलिश सा कलर था मैंने वो वाला लिया, और मैंने उसको पूरी आई लिड पे एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से अप्लाई कर लिया पूरी आई लिड पे।
उसके बाद जो उसमें लाइट पिंक शिमर शेड था वो मैंने अपने इनर आइज़ पे अप्लाई किया है सेम उसी फ्लैट ब्रश की हेल्प से, ठीक है। तो आपकी जो आइज़ हैं वो शाइन करने लग जाएंगी जो ऊपर से आई लिड है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सिर्फ तीन शेड्स यूज़ किए हैं, एक जो बेबी पिंक शेड था वो हमने क्रीज लाइन के लिए यूज़ किया था, सेकंड जो हमारा लाइट पर्पल शिमर शेड था वो हमने पूरी आईलिड पे अप्लाई कर लिया, वो पिंक और पर्पल मिक्स कलर था, और जो शिमर शेड था लाइट पिंक में वो हमने इनर कॉर्नर में यूज़ कर लिया। उसके बाद मैं उसे अपनी ब्रा बोन पे भी यूज़ कर रही हूँ थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए। उसके बाद मैं अपने ब्रोज को जो है वो फिल कर लूँगी। ये बहुत ही लाइट सी लुक है तो आपने अपनी ब्रोज को ज़्यादा फिलअप नहीं करना, बिल्कुल लाइट सा फिलअप करना अगर ज़रूरत है तो, अदरवाइज़ आप फिल ना करें। बस पुली की हेल्प से इसको ब्रश कर लें, फिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी लाइट है तो फिर आप फिल करें। देन मैं यहाँ पर ले रही हूँ एब्सोल्यूट की बेज शेड में पेंसिल, ठीक है। उसको अपनी वाटर लाइन पर अप्लाई कर रही हूँ। इसमें वाइट पेंसिल यूज़ नहीं होगी, वाइट जो है वो थोड़ा सा शार्प लुक देती है, इसलिए वो आपने यूज़ नहीं करनी है, आपने बेज शेड में यूज़ करनी है। और अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको इस स्टेप को स्किप भी कर सकती हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर लाइनर अप्लाई कर रही हूँ। अगर आपकी आईज़ जो हैं वो लाइनर के बगैर अच्छी लगती हैं तो आप सिर्फ फॉल्स लैशेज अप्लाई कर लें या फिर मस्कारा अप्लाई कर लें, और अगर आपकी आईज़ जो हैं वो लाइनर के साथ अच्छी लगती हैं तो फिर आप लाइट सा विंग्ड आईलाइनर जो है वो ड्रॉ कर लें। और यहाँ पर मैं मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद जो मेन चीज़ है हमारी बेबी लिप्स है का शेड है पिंक, ठीक है। इसको आपने अपनी चीक्स पे अप्लाई करना है, ऑन योर एप्पल ऑफ चीक्स, ठीक है। और इसको डैपिंग आपने, अगर आप इसे स्वाइप करेंगे ना तो इसकी शाइन जो है वो सारी ख़त्म हो जाएगी। आपने इसको डैपिंग मोशन में अप्लाई करना है, पहले इसको आपने डॉट 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 करके लगा लेना, उसके बाद फिंगर की डैपिंग मोशन की हेल्प से आपने इसको अप्लाई कर लेना है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं ये वाला लुक जो है इस तरह से अचीव होगा। आपने लिप्स पे भी इसको अप्लाई कर लेना है, और अगर आपको ज़्यादा शाइन चाहिए तो आप या ये रिवाज का 3D शाइन ग्लोज आता है, आप ये वाला ग्लोज जो है वो अप्लाई कर लें, बहुत ही ज़्यादा शाइनी सा ग्लोज है। ये हमारा आई लुक था और ये हमारा फुल फेस लुक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।